अस्सलामुअलैकुम या सैयदी रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या सैयदी अहमदुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का दिन जश्न आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ की थी कि जश्न आज़ादी किस तरह मनाना चाहिए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए, सजदा रेज होना चाहिए, और ये सड़कों पर निकल कर वन व्हीलिंग और तमाशागिरी करना ये बिल्कुल नाजायज़, गैर शरई और गैर कानूनी काम है। तो आज मैंने जो देखा, नौजवान नस्ल सड़कों पर निकल कर उसी तरह वन व्हीलिंग और गैर शरई और गैर कानूनी काम करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज का दिन अगर हम तारीख़ पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दीं, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तें लूटी गईं, जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए नहरों में और कुओं में छलांगें लगाईं और अपनी इज़्ज़तें बचाईं, और कई ऐसी इज़्ज़तें थीं जो लूटी भी गईं और जनाबे वाला बहुत सारी जाने गईं, तब ये हमें छोटा सा टुकड़ा हासिल हुआ। तो ये जो नौजवान नस्ल सड़कों पर नज़र आ रही है, तो इन्हें मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले आप फिर इस तरह करें कि अपनी माएँ बहनों के दुपट्टे सड़कों पर बिछा कर फिर उस पर वन व्हीलिंग करें, तो ये उन्हें पता चलेगा कि ये कैसा है। जनाबे वाला, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब हमें ये मुल्क मिला, हमें मुल्क ही हासिल हुआ, तो हमारी माओं के सरों से दुपट्टे उतारे गए, दुपट्टे छीन लिए गए, और बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। हमारे बुज़ुर्गों की ये बहुत सारी मेहनत है जिसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है। मोहतरम, मेरी ये गुजारिश है कि आज का दिन उन जानों को जो जाने शहीद हुई उन्हें इसाले सवाब करना चाहिए, उन बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने कुर्बानियाँ दीं उन्हें इसाले सवाब करना चाहिए, और गैर शरई काम नहीं बल्कि शरीयत और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सकें।